हेलो डियर, तो आप सबको स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाइनकोलॉजी में, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गाइनकोलॉजी में बहुत सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि किसी महिला को डिलीवरी करवाना हो, ठीक है, बच्चे को जन्म दिलाना हो, तो देखते होइएगा उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग गाइनकोलॉजी में और प्रसूति में जो जो भी उपकरण का इस्तेमाल होता है, हम लोग सभी उपकरण के बारे में आज देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आप लोगों को समझना है सिम्स वैजिनल स्पेकुलम के बारे में, सिम्स वैजिनल स्पेकुलम के बारे में आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, सिम्स वैजिनल स्पेकुलम आपके पिक्चर यही है, इसी प्रकार से होता है आपका, ठीक है। जो भी इस प्रकार के गाइनकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाने वाला जो उपकरण होगा, समझ जाइएगा यह सिम्स स्पेकुलम है, वैजिनल स्पेकुलम है, मतलब वैजिना में इसको उपयोग किया जाता है। कैसे, देख लीजिए। इससे योनि के पिछली दीवार, वैजिनल मतलब योनि ही होता है, वैजिनल के पिछली दीवार मतलब पोस्टेरियर वाल्व को पीछे खींचने के लिए योनि में डाला जाता है। यह स्त्री रोग संबंधी सर्जरी के लिए रोग योनि के दीवार को अधिक एक्सपोजर देता है, मतलब फैलाता है। जैसे मानिए यह है, अब इससे होता यह है कि यह योनि में डाला जाता है और योनि को डालकर उसे फैलाया जाता है, सर्जरी वगैरह में या स्त्री रोग में इस काम में आता है, सिम्स वैजिनल स्पेकुलम, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहाँ से आप जाकर इसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, देख लीजिए आगे है ओवार्ड वेटेड वैजिनल स्पेकुलम। क्या है? ओवार्ड वेटेड वैजिनल स्पेकुलम। ओवार्ड वेटेड वैजिनल स्पेकुलम क्या होता है, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। वैजिनल स्पेकुलम वहाँ भी था, यहाँ भी है, बट वहाँ पे था क्या चीज़, सिम्स, यहाँ पे है ओवार्ड वेटेड। तो ओवार्ड वेटेड का मतलब क्या होता है, ओवार्ड वेटेड वैजिनल स्पेकुलम एक एकल अंत वाला वैजिनल स्पेकुलम है, ठीक है, जिसका उपयोग आमतौर पर योनि हिस्टेरेक्टोमी या फैलाव और इलाज जैसी प्रक्रिया में किया जाता है। मीन्स योनि हिस्टेरेक्टोमी मतलब सर्जरी होता है जो, ठीक है, उसके बाद योनि को फैलाने में और इलाज जैसी, मतलब कोई अगर फीमेल के समस्या है गुप्तांग में तो उसको फैलाकर देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह क्या होता है, यह एक एक जिसका ये हो एक अंत वाला होता है, एक अंत वाला मतलब इधर से कुछ नहीं है, यहाँ पे भी है, ठीक है, एक अंत वाला। अब इसमें मान गए योनि है, ऐसे योनि है, ठीक है, मान गए योनि के इधर वाले एरिया को फैलाना होगा तो सिर्फ एक हाथ से पकड़कर इधर वाले एरिया से खींचा जाएगा इसको, तो ये फैलेगा। अगर हमको सिम्स पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे तो यह दोनों, चूंकि वो दोनों तरफ है तो बीच में डालकर दोनों तरफ जो है इसको फैलाने का काम करेगा, समझ गए। तो यही हो गया, ओके। बाकी दोनों का पर्पज लगभग लगभग एक ही है। अब आता है कॉस्को बिवाल्ड स्पेकुलम। कॉस्को बिवाल्ड स्पेकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कॉस्को बिवाल्ड स्पेकुलम जो होता है, इसका उपयोग अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधन उपकरण को पेश करने, पैप लेने के लिए, ठीक है, किया जाता है, स्मियर, पैप स्मियर लेने के लिए किया जाता है, योनि क्षरण का दागन और कल्पोस्कोपिक परीक्षण के लिए। इसका उपयोग क्रायो सर्जरी में भी किया जाता है क्योंकि यह योनि के पूर्व काल और पश्च दीवार की रक्षा करता है। अब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें उल्टा पुल्टा इंग्लिश दिया गया है। कस्को बिवाल्ड स्पेकुलम, कस्को बिवाल्ड स्पेकुलम का मतलब है कि इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग जो है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखिए, जो कस्को बिवाल्ड स्पेकुलम है इसे इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस आई यू सी डी डिवाइस के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है, पहचाना जाता है। इसका इस्तेमाल पैप स्मियर लेने में, कैथेटराइजेशन करने में, ठीक है, इसका उपयोग जो है कल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, ठीक है, और इसका उपयोग क्रायो सर्जरी में भी किया जाता है। साथ में यह जो है
एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों वाल्व को रक्षा करता है भैजीना को, ठीक है। मतलब भैजीना के आगे वाला पीछे वाला दोनों जो भित्ति है उसको भी रक्षा करता है, कौन? कॉस्को बिवाल्ड स्पेकुलम। ओके, आगे चलते हैं, समझा दिए, यही है कॉस्को बिवाल्ड स्पेकुलम यही है। अब यही क्या करता है, यह आपको क्रायो सर्जरी में भी मदद करता है, समझ गए। उसके बाद ये क्या करता है, आपको एंटेरियर पोस्टेरियर वाल्व को भी रक्षा करता है, ठीक है, बातें को समझ रहे हैं। उसके बाद और क्या है, और देख लीजिए, यह पेप स्मियर लेने में भी मदद करता है, समझ गए, और यह इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के रूप में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो ये आप कॉस्को बिवाल्ड स्पेकुलम को याद रखिएगा। आगे है एंटेरियर वैजिनल वाल्व रिट्रैक्टर। अब क्या है, एंटेरियर वैजिनल वाल्व रिट्रैक्टर, याद रखिएगा, एंटेरियर मतलब होता है आगे वाला, वैजिनल मतलब होता है योनि, वाल मतलब होता है दीवार या भित्ति, रिट्रैक्टर, समझ गए, एंटेरियर वैजिनल वाल रिट्रैक्टर, बस याद रखना है एंटेरियर वैजिनल वाल रिट्रैक्टर। अब ये होता क्या है, इसका क्या उपयोग है, देख लीजिए, इसका उपयोग गर्भाशय ग्रीवा और पूर्वकाल फोर्निक्स को उजागर करने के लिए, पूर्वकाल योनि की दीवार को पीछे हटाने के लिए किया जाता है। अब ये जो एंटेरियर वैजिनल वाल्व रिट्रैक्टर है, यह आगे वाले वाल्व को हटाने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका जो यूज होता है, देख लीजिए, यही है आपका एंटेरियर वैजिनल वाल्व रिट्रैक्टर। इसका उपयोग बेसिकली वैजिना के एंटेरियर वाल्व को जो है हटाकर, ठीक है, ग्रीवा को और फोर्निक्स को देखने के लिए किया जाता है, समझ गए। तो क्या समझे कि एंटेरियर वाल्व रिट्रैक्टर जो है वैजिनल का, इसका इस्तेमाल जो है वैजिना के एंटेरियर मतलब ऊपर वाले भाग, ठीक है, वैजिना के ऊपर वाले भाग को हटाकर उसके अंदर के फोर्निक्स और ग्रीवा को देखने के लिए काम में इसको लिया जाता है। यही है एंटेरियर वैजिनल वाल्व रिट्रैक्टर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे है सिम्पसन यूटेराइन साउंड, क्या चीज़ है, सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन यूटेराइन साउंड, ठीक है। अब सिम्पसन यूटेराइन साउंड का मतलब क्या है, इसका उपयोग देख लीजिए, यही है, एक साइड से देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड से पकड़ने वाला है और एक साइड से टेढ़ा है, तो यही जो है आपका क्या है, सिम्पसन यूटेराइन साउंड। इसका देखिए, ये सब पहचानने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, पहचानिए भी और उपयोग भी जानिए। तो सिम्पसन यूटेराइन साउंड जो होता है, इसका उपयोग जो है गर्भाशय की जांच, यूट्रस की जांच और विस्तार के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा नहर की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग जो होता है यूट्रस को डिलेट करने में, विस्तार करने में, समझ गए। इसके साथ साथ जो है सर्वाइकल जो नली है, मतलब सर्वाइकल कितना बड़ा है, इस नली को मापने के लिए भी इसका उपयोग सिम्पसन यूटेराइन साउंड का उपयोग किया जाता है। देखिए यूटेराइन साउंड है, सीधा समझिएगा, यूटेराइन साउंड है, तो यह यूट्रस के जांच और यूट्रस के फैलाव विस्तार को जांचने के लिए किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जो है सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल कैनल, उसको मापने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, एक साइड से टेढ़ा और एक साइड से पकड़ने वाला हैंडल की तरह होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब है हेगर्स यूटेराइन डिलेटर, फिर से वही है, देखिए नाम सिर्फ बदला है, यहाँ पे हेगर यूटेराइन डिलेटर का मतलब होता है कि गर्भाशय को विस्तार करने वाला, ठीक है, और हेगर्स है तो ये हेगर्स नाम है, ठीक है। तो हेगर्स यूटेराइन डिलेटर का उपयोग जो है, यह मिस्ड गर्भपात के बाद फैलाव और इलाज यानी DNC के लिए इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो जो हेगर्स यूटेराइन आपका जो डिलेटर है, इसका व्यापक उपयोग जो है DNC के लिए किया जाता है। DNC क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें मिस्ड गर्भपात, मतलब गर्भपात में कोई मिस हो जाता है तो उसके बाद इसको जो है फैलाने के लिए जो है आपको व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है।
किसको फैलाने के लिए? यूट्रस को। अधूरा गर्भपात और कभी कभी इसका उपयोग गर्भपात को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे अधूरा गर्भपात हो चुका हो, या फिर कभी कभी इसका उपयोग गर्भपात कराने के लिए भी प्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह उपकरण गर्भाशय के तलों की जाँच करने में सहायक है। ठीक है, इसका उपयोग लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी के दौरान गर्भाशय गुहा में प्रवेश करने के लिए सबसे सुरक्षित विमान निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, हेगर्स यूटेराइन डिलेटर जो है एक प्रकार का उपकरण है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल गर्भपात में, ठीक है, करता है डी एंड सी के प्रक्रिया में, जहाँ पे यूट्रस को फैलाने में, ठीक है, अपूर्ण गर्भपात होने पे इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग गर्भपात को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है। यह उपकरण जो होता है यूट्रस के बेस यानी तल में जाकर जांच करने में सहायक होता है। इसका उपयोग कभी कभी लेप्रोस्कोपी सर्जरी और ओपन सर्जरी के दौरान भी गर्भाशय के जो कैविटी है वहाँ पर इसे प्रवेश कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने में है हेगर्स यूटेराइन डिलेटर। इस साइड से भी मोटा होता है, एक साइड से यह मोटा होता है और एक साइड से हल्का सा ये पतला होता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई नुकीला नहीं होता है, यह एकदम जो है स्फेरिकल टाइप से बना होता है। ठीक है, दोनों साइड से, एक साइड से हल्का पतला, एक साइड से हल्का मोटा होता है, वही हेगर्स यूटेराइन डिलेटर होता है। ओके, अब आता है फ्लशिंग क्यूरेटर। ठीक है, फ्लशिंग क्यूरेट होता है, देख लीजिए यहाँ पे एक साइड नीडिल के आकार का है, समझिए नीडिल के आकार का है, हल्का सा आगे थोड़ा सा बिंदी मोटा है, फिर पतला है, फिर हाथ रखने वाला हैंड की तरह है और एक नीडिल जो पंप होता है उसके तरह है। ठीक है, तो फ्लशिंग क्यूरेटर है, इसका उपयोग गर्भाशय गुहा को धोने में किया जाता है। फ्लशिंग का मतलब ही होता है बहाव। ठीक है, तो इसका उपयोग जो यूट्रस होता है, यूटेराइन कैविटी है, उसको साफ धोने के लिए किया जाता है फ्लशिंग क्यूरेट का। समझ गए, आगे चलिए। आगे है सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेटर। देखिए, सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेट, ठीक है, देख लीजिए सिम्स डबल यूटेराइन का, देख लीजिए यहाँ पे दोनों साइड से, इधर भी ये जो था ऊपर में फ्लशिंग में एक ही साइड था, इधर अपन का दो साइड है। ठीक है, देख लीजिए, अब इसका नाम है सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेट। ठीक है, सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेट का मतलब होता है इसका उपयोग गर्भाशय की परत से ऊतक को हटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बायोप्सी के लिए वृद्धि या ऊतक को खुरचने और हटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डी और सी प्रक्रिया के भाग के रूप में भी किया जाता है। अब ये जो सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन, डबल इंडेड का मतलब क्या है कि इधर भी इंडेड कर रहा है, इधर भी इंडेड कर रहा है, समझ गए, दो तरफ इसका लास्ट है। और डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेट का मतलब होता है कि इसका उपयोग यूट्रस के जो ऊतक होते हैं, जो बेकार पड़े हुए एक लेयर में जो बन जाता है, उस ऊतक को खुरचने के लिए, या कहीं पे मान गए एक लेयर सा जम चुका है ऊतक में यूट्रस के, तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, बायोप्सी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग डी एंड सी प्रक्रिया के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह आपका हो गया क्या चीज़, सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेटर। तो इसका इस्तेमाल बायोप्सी में ऊतक को हटाकर, बायोप्सी किससे होता है, बायोप्सी टिशू का ही तो होता है, तो टिशू को यूट्रस के लेयर पर से हटा हटा के, खुरुच खुरुच के जो है आपको इसका इस्तेमाल बायोप्सी में भी होता है। ऊतक को हटाने के लिए भी, एक लेयर जमा हुआ है उस लेयर को भी हटाने के लिए, और साथ में डी एंड सी प्रक्रिया के रूप में भी यह भाग लेता है। ठीक है, तो यही है सिम्स डबल इंडेड यूटेराइन क्यूरेटर। ओके, बाकी चलिए अब हम लोग कुछ बच गया उसको आगे देखेंगे। ओके।